हेलो फ्रेंड, रीता रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आलू मखाने की सब्जी। तो आइए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने दो मीडियम साइज के प्याज और चार पांच लहसुन के जवे और एक अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च मैंने ग्राइंड कर लिया है और दो मीडियम साइज के टमाटर और दो चम्मच दही जो कि ज्यादा खट्टा ना हो और हरा धनिया और सब्जी बनाने के लिए तेल। अब मैंने कढ़ाई में दो चम्मच घी डाला है और उसमें मखाने रोस्ट करेंगे। अब ये मेरे मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। दो बड़े चम्मच, मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं छोटा चम्मच जीरा डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। अब प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे, गैस मीडियम रखेंगे। ब्राउन कलर का हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर की प्यूरी। एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हींग। अब मैं इसको चलाती रहूंगी जब तक कि तेल नहीं छोड़ देता। अब ये पक चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसका गैस हम धीमा कर देंगे और इसमें डालेंगे दही। अगर दही हम तेज गैस पर डाल देंगे तो ये फट जाएगा और इसको स्वाद बेकार हो जाएगा, इसलिए गैस धीमा करके ही हमें दही डालना है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आलू। बड़े साइज में मैंने आलू कट कर लिए थे। गैस तेज कर लेंगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसमें मखाने डालेंगे। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी तो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं आप, जितना आपको पसंद है।
जितनी ग्रेवी आप खाना चाहते हो। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे, छोटे 2 चम्मच। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, अब हम डालेंगे बटर। बटर डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखो दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। दोस्तों सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।